है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। नगर निगम टीम ने सर्कुलर रोड पर हटवाया अवैध कब्जा। नाले के ऊपर के हिस्सों को रातों रात दिया गया था पाट। पास वाले वार्ड के पार्षद मोहित अग्रवाल को मिली थी सूचना। नगर आयुक्त को अवगत कराने के बाद की गई कार्यवाही। बता दें, फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 23 सर्कुलर रोड स्थित नाले के ऊपर रातों रात हुए अवैध कब्जा, जिस पर संभवतः दुकान बनने की तैयारी चल रही थी। इसकी सूचना पास वाले वार्ड के पार्षद मोहित अग्रवाल को हुई और इस दौरान पार्षद मोहित अग्रवाल ने नगर आयुक्त को अवगत कराया, जिस पर मौके पर पहुंची नगर निगम टीम ने जेसीबी के माध्यम से नाले के ऊपर हुए अवैध कब्जे को ध्वस्त कराया। वहीं इस कब्जे को लेकर चर्चा रही कि कब्जा धारक का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद की अनुमति से कर रहे थे, हालांकि इस बात की कोई विश्वसनीय पुष्टि नहीं हो सकी है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। हर्षद जी, आप यहाँ मौजूद हैं। ये यहाँ पे अभी जो वार्तालाप हुआ है ये अवैध कब्जे का, ये इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या था ये? अभी कुछ दो घंटे पहले ही यहाँ के निवासियों द्वारा मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने नाले को पाट कर रात ही रात में लैंड डाल लिया है और नाले के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसकी सूचना तुरंत मैंने नगर साहब को और ETF टीम को दी। मौके पर अवैध अभियंता प्रवीण और अमित कुमार जी मौके पर आए और ETF की टीम आई और JCB से एक बोतल लगा दिया। नगर निगम के सहयोग से यह अतिक्रमण कोई होने नहीं दिया जाएगा आगे भी।